Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today in this video, I'm going to show you how can we reverse the flow of direction of current in a DC circuit. We are going to do this with the help of these two switches known as SPDT switches. So let's start today's video. First, we are going to learn about what are SPDT switches. Ek SPDT switch ka matlab hota hai single pole double throw switch. ये स्विच कुछ ऐसे दिखते हैं। तो अब हम आपको हमारे सर्किट की एक शॉर्ट ब्रीफिंग देंगे। हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पावर सोर्स के लिए हमारे पास है एक डीसी बैटरी। फिर ये दोनों है हमारे सिंगल पोल डबल थ्रो स्विचेस। और फिर यहाँ पे है हमारा लोड। लोड के लिए हम लोग इस वीडियो में एक डीसी मोटर यूज करने वाले हैं। अभी हमने जिस सर्किट का प्रीव्यू किया था, अब हम उस सर्किट को बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है एक बैटरी जो ऑब्वियसली एक डीसी बैटरी है। फिर हमारे पास है हमारे दोनों सिंगल पोल डबल थ्रो स्विचेस। आप देख सकते हैं मैंने इनको इनके साइन के अकॉर्डिंग जोड़ दिया है। फिर यहाँ पे इनको मैंने डबल साइडेड टेप की मदद से इन दोनों को चिपका दिया है। ध्यान रखें कि आपको इनके साइड के अकॉर्डिंग ही जोड़ना है, वरना इनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और ये सर्किट वर्क नहीं करेगा। फिर यहाँ पे थोड़े से तार के पीसेस और फिर यहाँ पे हमारा लोड जो कि है डीसी मोटर। तो चलिए अब हम अपने सर्किट को बनाते हैं। तो आप हम देखते हैं कि यहाँ पे अब टोटल मिला के 6 पोल्स हो गए हैं। तो आपको अब किसी भी एक कॉर्नर वाले पोल को लेना है और उस पर एक वायर ज्वाइन कर देना है। है ना, और इसी के वायर के दूसरे वाले सिरे को हमें उसी के डायगोनल डायरेक्शन में जो पोल है उस पे ज्वाइन करना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रिज टाइप सा बन गया है। अब हमें ऐसा ही एक और ब्रिज बाकी बचे दो कॉर्नर पोल्स पे भी बनाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे दोनों ब्रिजेस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग हमारी बैटरी के वायर्स को हमारे स्विचेस के साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम अपनी बैटरी के पॉजिटिव वाले वायर को हमारे स्विच पे बने पॉजिटिव वाले ब्रिज के साथ ज्वाइन करेंगे। हम लोग हमारी बैटरी के नेगेटिव वाले वायर के साथ भी यही करेंगे। अब हम लोग हमारी मोटर को हमारे स्विच के दोनों सेंट्रल वाले टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे। हम लोग हमारी मोटर के वायर्स को हमारे दोनों सेंट्रल पोल्स में से किसी भी पोल में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी सर्किटिंग कंप्लीट होती है और हमारा सर्किट फुली पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अभी तक हमने सारे लूज कनेक्शंस किए थे, पर अब हमने सारे कनेक्शंस को सोल्डर कर दिया है। अब हम आपको सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे सर्किट का यूज करके दिखाएंगे।
अब यही सर्किट को हम आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के दिखाएंगे। अभी हमने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए इसे दोनों स्विचेस को फर्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन में लगाया था और फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज में करने के लिए इसके ही अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में दोनों स्विचेस को लगाया था। इससे मोटर की पोलैरिटी चेंज हो जाती है और हमारा सर्किट सही काम करता है।